जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कर्ण मारा गया, मां कुंती ने अभी तक किसी से नहीं बताया कि ये मेरा ही बेटा है। जैसे ही उस युद्ध में कर्ण मारा गया, तो शाम के समय जब युद्ध विराम हो जाता, थोड़ा अंधेरा सा था, और माता कुंती कर्ण से मिलने के लिए जाती है। जैसे ही कर्ण से मिलने के लिए जाती है, पीछे पीछे अर्जुन, कन्हैया और युधिष्ठिर तीनों पीछे पीछे चल देते हैं। जाकर देखते हैं कि मां कहां जा रही है। जाकर देखा तो वो कर्ण को अपनी गोद में, उसका शव जो था अपनी गोद में लेकर वो रोने लग रही है। और जैसे वो रोने लग रही थी, पीछे से अर्जुन ने जाकर पूछा कि मां तुम रो रही हो हमारे दुश्मन के लिए? अरे इसके लिए तुम क्यों रो रही हो? जैसे कहा दुश्मन के लिए रो रही हो, कुंती के मुख से निकल गया, नहीं बेटा ये दुश्मन नहीं, ये आपका बड़ा भाई, ये आपका बड़ा भाई है। उसी समय क्रोध आ जाता है, युधिष्ठिर को कि देखिए माता आपने हमसे ये बात छुपा कर रखी, आप एक बार के लिए बता देते कि ये हमारा भाई है, हम हमारा पूरा राज्य इसके चरणों में रख देते, हम युद्ध नहीं करते, हमें क्या चाहिए था, हम तो इनकी सेवा करते, और आपने इतनी बात छुपा कर रखी, इतनी बड़ी बात, आज से मैं श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री आज से अपने मन में किसी भी बात को छुपा कर नहीं रख पाएगा, किसी भी बात को अपने मन में छुपा कर नहीं रख पाएगी। तो यह माताओं को श्राप है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो 10 दिन 5 दिन महीने में वो किसी बात को छुपा कर रख नहीं सकती, वो किसी न किसी बात को बताई देती है। और जब माताओं को ये बताया जाता ना कि ये बात किसी को बताना मत, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो जरूर बता देती है।